एक काम करा जाए, अब सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक कवर करने शुरू करे जाए क्योंकि लंबी लिस्ट है जिन पे बातचीत करने की जरूरत। पहले वो आईटी नंबर्स, अप फ्रंट तो काफी हद तक चर्चा हो गई है, नंबर्स दिखा देता हूं क्विकली। टीसीएस कांस्टेंट करेंसी में 1% का उछाल, एक्सपेक्टेशन एक फ्लैट परफॉर्मेंस की थी और ब्रोकरेज के तमाम एक्सपेक्टेशन जो थे उससे बेहतर ही ग्रोथ का आंकड़ा टीसीएस का आता हुआ। मार्जिन जब सारी स्ट्रीट मान रही थी फ्लैट होंगे, हल्का बहुत उछाल होगा, 70 बेसिस पॉइंट मार्जिन सुधरते हुए नजर आए, तो नंबर्स अच्छे हैं। पर नंबर्स पे कंप्लेंट नहीं, नंबर्स से ज्यादा विजिबिलिटी पर फोकस था। FY25 की किस तरह की विजिबिलिटी नजर आ रही है, तो ध्यान रखें इस क्वार्टर के नंबर्स में नॉर्थ अमेरिका BFSI कम्युनिकेशन हाईटेक ये जो दिक्कत वाली पॉकेट्स में दिक्कत लिंगर ऑन कर रही है, पर उस लिहाज से फिर मैनेजमेंट की कमेंट्री इंपॉर्टेंट। बिना समय वेस्ट करे आपको सुनाता हूं TCS के CFO समीर सेखसरिया साहब का डिमांड एनवायरनमेंट पर क्या व्यू है। अगर हम ये क्वार्टर देखें हमारा, हमारा जो कंस्टेंट करेंसी ग्रोथ है 1% आया है, ईयर ऑन ईयर 1.7%, एंड जबकि हमारे मेजर मार्केट्स में यूके हैज़ डन सिग्निफिकेंटली वेल विद 8% ग्रोथ, एंड दैट इज़ द हमारे मार्केट शेयर गेन से आ रहा है। नॉर्थ अमेरिका थोड़ा सॉफ्ट रहा है, जबकि हम यूरोप देखें तो इट हैज़ टर्न पॉजिटिव, इट्स ऑन अ पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री। लेकिन जो खास बात रही है ये परफॉर्मेंस की आर आर रीजनल मार्केट्स, हमारे जो इमर्जिंग मार्केट्स रहे हैं, नॉट ओनली इंडिया विच हैज हैड अ सुपरलेटिव परफॉर्मेंस ऑन बैक ऑफ स्ट्रेटेजिक डील्स, उसके अलावा अगर हम हमारा एपैक में जो जापान है, जो एक्सक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया एपैक परफॉर्मेंस है, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका का परफॉर्मेंस है या लैटम, सारे ही अच्छे रहे हैं। ये खासियत है हमारे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की वजह से। एंड अगर हम पाइपलाइन भी देखें, पाइपलाइन स्टेबल एंड कंसिस्टेंट है, डील विंस एट 8.1 बिलियन इज गुड, क्योंकि ये डील विन में कोई भी मेगा डील नहीं है अनलाइक लास्ट क्वार्टर्स, एंड हमारे रेवेन्यू कन्वर्जन फ्रॉम नए डील्स कंसिस्टेंटली इन इट्स नॉर्मल कोर्स हो रहे हैं। अट्रिशन 13.3 कंफर्टेबल रेंज, बहुत संतोषदायक है, सेटिस्फाइंग बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये हमारा क्रिटिकल एस्पेक्ट है बिजनेस का और पीपल आर आवर स्ट्रेंथ। क्या कम होगा अगले क्वार्टर में, चांसेस हैं कम होने। 40,000 का हमेशा जो नंबर रहता है, हमारा की स्ट्रेटेजी फॉर TCS ये रहता है कि हमारा जो मोस्ट ऑफ द हायरिंग होता है वो कैंपस से होता है, और जो हमको एडिशनल हायरिंग करना पड़ता है वो मार्केट से करते हैं जी। तो वो हमारा बेसिक स्ट्रेटेजी वो चेंज नहीं होगा, नंबर थोड़े इधर उधर हो सकते हैं लेकिन वो स्ट्रेटेजी चेंज नहीं होगा। कॉन्फिडेंट तो साउंड कर रहे हैं भाई आउटलुक को लेकर, देखते हैं आज TCS कैसा रिएक्ट करता है, पर ब्रोकरेजेस ने, दिग्गज कंपनियों ने कैसे रीड करा TCS के नंबर्स को। यतिन से जान लेते हैं। यतिन, अच्छा बैती साहब, आपने क्योंकि आईटी के पिक भी दिए, आप स्कैन भी करोगे, TCS और इन्फोसिस दोनों पे आपके पास आऊंगा कुछ देर बाद। यतिन, क्या कह रहे हैं ब्रोकरेजेस TCS को लेकर? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, सबसे पहले अगर हम TCS की बात करें तो मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ TCS को अपग्रेड किया है, और ब्रोकरेजेस की माने तो उनके हिसाब से ओवरऑल जो क्वार्टर है वो ऑलराउंड बीट वाला था, रेवेन्यू और मार्जिन्स दोनों पे ही आपको TCS बीट दिखाता हुआ दिखाई पड़ा है। हालांकि जो डील पाइपलाइन है वो मॉडरेट होती हुई दिखाई पड़ी है, लेकिन आगे जाके जो पाइपलाइन है वो काफ़ी हेल्दी, ऐसा ब्रोकरेजेस का मानना है। और ब्रोकरेजेस के हिसाब से एक की पॉइंटर ये है कि TCS मैक्रो हेडविंड्स के बावजूद वेल पोजिशनड है आईटी की ग्रोथ को कैप्चर करने के लिए। तो TCS पे बहुत सारे ब्रोकरेजेस ओवरवेट है, और आपके स्क्रीन के ऊपर ये ओवरवेट और आउट परफॉर्मेंस कॉल बर्नस्टीन की 4,000 रुपए के टारगेट्स, हालांकि नोमुरा एक ही ब्रोकरेज है जहां एक इन्होंने सेल रेटिंग दी है, जैसे कि मैंने पहले कहा मॉर्गन स्टैनली ने TCS को अपग्रेड किया, टारगेट भी बढ़ा के 4,100 के आसपास उन्होंने किया। ये है TCS पे ब्रोकरेजेस, मिला जुला रुझान है, ठीक है, क्वार्टर परफॉर्मेंस ठीक है, पर आउटलुक को लेकर अभी भी वैसे अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, क्योंकि आपको पता है अभी तो हमें ही नहीं पता कि बैजर में कटौती कब होगी। हमें पता है अमेरिका इंक के परफॉर्मेंसेस Q3 और Q4 में कुछ हद तक गड़बड़ाएंगे, कल सिटी ग्रुप के रिलेटेड अपडेट्स आ रहे थे कि दिक्कत में शायद उसके रिजल्ट्स आएंगे आज जब आएंगे,
तो ये सब पता है, तो एनवायरमेंट अभी भी उसी तरह का है, तो आप मैनेजमेंट से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो आके बोल दे कि सब बढ़िया है जी। Exactly, अभी भी विजिबिलिटी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है, लेकिन जो मार्केट ने सोच लिया था कि बहुत खराब नंबर्स आएंगे, अभी हमारी बात हुई थी 3 दिन पहले, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इन्फोसिस और गाइडेंस कट करेगा अपनी, एटलीस्ट वो सब नहीं, वो नहीं, वो मतलब अपने आप में एक थोड़ा सा पॉजिटिव है। ये बाकी सब ठीक है, यतिन का वाला हमारा विंडो फिर से, ये इतना पीछे क्यों जाके खड़े हो गए आप मेरे? ये वो है ना सिली पॉइंट, ऐसा लग रहा पूरा पूरा सारी घुमाना पड़ेगा पीछे, सफेद बाल दिखने लगे मेरे, ये वो सिली पॉइंट है। अच्छा हाँ ये है, लपक लेते हैं, लपक लेंगे बढ़िया तरीके से। इन्फोसिस में आ रहा हूं अगला, बातचीत हो चुकी है, क्विकली रन थ्रू कर देता हूं। कॉन्स्टेंट करेंसी में आए क्योंकि एनालिस्ट कॉन्स्टेंट करेंसी देखते हैं, अब करेंसी तो इनके हाथ से बाहर है तो कॉन्स्टेंट करेंसी देखना ज्यादा बेहतर होता है असल ग्रोथ को मापने के लिए। तो कॉन्स्टेंट करेंसी में 1.2% क्यू ऑन क्यू रेवेन्यू गिर गया, एस्टिमेट्स थे 1.5% या उससे ज्यादा गिरेंगे तो उस लिहाज से बेहतर। मार्जिन्स हाँ 80 बेसिस पॉइंट हमने माना था गिरेंगे, 70-80 बेसिस पॉइंट गिरे हैं, तो इन लाइन है मार्जिन्स का परफॉर्मेंस। गाइडेंस की बैट अभी भी बात हुई, 1.5% से 2.5% खड़ा हुआ था, अब पिछले 3 क्वार्टर से गाइडेंस बार बार घटाने के बाद अब क्या करा है, 1.5% वाले को नैरो डाउन कर दिया दोनों तरफ से, 1.5% से 2%, क्योंकि अब विजिबिलिटी क्लियर है, एक ही क्वार्टर बचा रह गया फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में, तो अब 1.5 से 2% की गाइडेंस है और स्ट्रीट के मोटा मोटी एक्सपेक्टेशन पर खड़े उतर रहे हैं नंबर्स, ऐसे रीड करिए। पर ब्रोकरेजेस क्या मान रहे हैं यतिन? इन्फोसिस तो इन्फोसिस में भी जो बात करें तो जैसे कि आपने कहा पॉजिटिव क्वार्टर थर्ड का इन्होंने डिलीवरी किया है, ब्रोकरेजेस को लगता है कि जो स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन है थर्ड क्वार्टर का उसके हिसाब से शायद इन्होंने अपना FY24 का रेवेन्यू बैंड जो है वो टाइट कर दिया है। ग्रोथ एक्सेलरेशन FY25 में दिखाई पड़ रहा है क्योंकि मैक्रो जो है US का वो रिकवर होता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उम्मीद ये है स्ट्रीट को कि FY25 में शायद एक कमबैक करेगा इन्फोसिस। और आपके स्क्रीन के ऊपर सारे के सारे बाय कॉल दिखाई पड़ रहे हैं, बर्नस्टीन, जेफरीज, HSBC सबकी खरीदारी की सलाह है और 1750 से लेकर 1650 तक के टारगेट्स ऑन एन एवरेज आपको दिखाई पड़ रहे हैं ब्रोकरेजेस ने दिए हैं। तो ओवरऑल हेल्दी थर्ड क्वार्टर वर्सेस एक्सपेक्टेशंस और FY25 में रिकवरी की उम्मीद। टारगेट्स बेहतर हैं इन्फी के केस पे, TCS के थोड़े से मिले जुले थे, क्या TCS ने आउट परफॉर्म भी करा है भाव के लिहाज से, ध्यान रखिएगा एक साल के टाइम होराइजन में। पहले हेमांग सर आपके पास, कैसे लगा ये IT के नंबर्स आपको, आपने किस तरह की पिक्चर पेंट करी, क्या IT क्या किसी TCS में आप खरीदार होगे या नहीं होगे इस समय? आशीष नंबर्स तो ठीक ठाक थे, TCS के नंबर काफी अच्छे थे और ऑलरेडी हमने देखा है कि म्यूटेड एक्सपेक्टेशंस के ऊपर जब कंपनी थोड़ा सा अभिन लाइन या बेहतर परफॉर्म करनी है तो एक पॉजिटिव रिएक्शन जरूर आता है। US के अंदर भी अगर आप टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को देखें तो काफी अच्छी रेजिलियंस है और कहीं ना कहीं मार्केट ये सेंस कर रहा है कि ये जो फ्लैटिश ग्रोथ वाला जो पीरियड था वो कहीं पे जाके एक अच्छी डिसेंट ग्रोथ के अंदर तब्दील होगा अगले साल के अंदर। हालांकि जो गाइडेंस है पर्टिकुलरली इन्फोसिस की वो बहुत ज्यादा एनकरेजिंग नहीं है, छोटा मोटा बदलाव है उससे मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ेगा, बट डेफिनेटली यहाँ से ज्यादा बड़ी मुझे मंदी नहीं लग रही है। अगर किसी को निवेश करना है तो जरूर मैं TCS को प्रेफर करूंगा इन्फोसिस के मुकाबले, और कंपनीज जो मिड कैप के अंदर जो आएगी उसमें शायद अपॉर्चुनिटीज बड़ी बन सकती है डिपेंडिंग अपॉन द मैनेजमेंट आउटलुक एंड द एक्सटेंट ऑफ पॉजिटिव सरप्राइज। ओवरऑल व्यू सेक्टर के अंदर पॉजिटिव बना रहेगा, पॉजिटिव दोनों में एक दिग्गज का चयन करना तो TCS ज्यादा बेहतर प्लेस्ड। बैती साहब चार्ट्स पे। जी आशीष जी, पहले TCS की अगर मैं बात करूं तो चार्ट्स पे तो स्ट्रेंथ दिख रहा है और एक सपोर्ट है, बट प्रस्पेक्टिव यही है कि अगर आज ये 3-4% का अगर गैप अप होता है तो हेडरूम कुछ ज्यादा बचेगा नहीं मोमेंटम प्ले करने के लिए इंट्राडे या स्विंग ट्रेड के प्रस्पेक्टिव से। लेकिन हाँ, पोजिशनली अगर जिनको भी ट्रेड करना है या पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो बहुत अच्छा व्यू हमारा है इसमें 2024 के लिए। तो TCS में भी खरीदारी की सलाह रहेगी और इन्फी में भी खरीदारी की सलाह रहेगी। कोई गैप अप आए तो उसे चेज नहीं करे, बट मिड कैप IT जैसे हमने बोला कि वहां पे बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स गैप अप के बाद भी बनेंगे। जो स्टॉप लॉस इन्फी में मेंटेन करना हमें लग रहा है कि जैसे 1535 का जो 20 डेमा है उसके ऊपर खुलता है तो वही एक स्टॉप लॉस जोन रखना चाहिए 1535 का ही। और TCS के लिए जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो भी उसका 20 डेमा जो 3760 उसको स्टॉप लॉस लेकर इसमें ट्रेड करें ट्रेड को।
बिल्कुल ठीक, मिड कैप आईटी शायद गो टू पॉकेट हो सकती है, खुलने के बाद इसी पैनल से हम लोग चर्चा करते चलेंगे। लेकिन एक स्टॉक तो वैसे ही बेहती साहब ने चुन रखा है, परसिस्टेंट सिस्टम, उनकी आज की प्रेफर्ड पिक। गाबा सर, FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स यानी कि नायका का स्टॉक रेडी रखिएगा, यतिन के पास चला जाए, यतिन की एक्सक्लूसिव, उसके बाद तमाम न्यूज नेटवर्क्स ने खबर उठा ली। क्या है अपडेट यतिन FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स को लेकर? FSN e-commerce यानी नायका में आज ब्लॉक डील आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेक्सडेल इंटरनेशनल जो इनका एक बड़ा शेयर होल्डर है, ये लगभग 1% इक्विटी आज ओपन मार्केट में बेचेंगे ब्लॉक डील के जरिए। लगभग 2.5 करोड़ से थोड़े ज़्यादा शेयर्स की यहाँ आपको डील होती हुई दिखाई पड़ सकती है। 490 करोड़ की टोटल ब्लॉक डील वैल्यू है और हमारे सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि 45 दिन का लॉक इन रहेगा। मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन यहाँ जो है ब्रोकर्स हैं और मैक्सिमम 3% जो है वो आपको डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है यस्टरडे के क्लोजिंग प्राइस से। तो कहीं ना कहीं ये एक स्टॉक है जो फोकस में रहेगा ब्लॉक डील के चलते। बिल्कुल ठीक, फिर आप रखिए FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स को। गाबा, अब ये अभी तक तो हुआ नहीं, मैं देख रहा हूँ 8:45 से 9 बजे की विंडो में होता ही नहीं होता है। गाबा सर, पता चल जाएगा उसके बाद तस्वीर, लेकिन अदरवाइज चार्ट पे कैसा प्लेस नजर आ रहा था आपको? हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि बॉटम आउट हो चुका है, फर्स्ट ब्रेकआउट मिला है 155-156 के आसपास, वहां का उसका टेक्निकल टारगेट था 220। मेरे ख्याल से 220 तो जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम, ब्लॉक डील्स हो नहीं हो, आहिस्ता जाएगा या फास्ट जाएगा, लेकिन एक ब्रेकआउट तो मिल चुका है, बॉटम आउट हो चुका है। तो मेरे ख्याल से 220 एक टारगेट है, किसी को लेना है आज भी ले सकते हैं, उसमें क्या है, स्टॉप लगाना पड़ेगा, थोड़ा डीप है और वो होगा मेरे ख्याल से करीब करीब यस 175 का, 220 पॉसिबल है नायका। चलिए एक काम कर जाए, नायका का आप देखते हैं विंडो कौन सी, ओपनिंग के बाद किस तरह के मूव्स बनते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे, उसके बाद रिविजिट कर लेंगे इस स्टॉक को। यतिन, बाकी के कौन से स्टॉक्स से न्यूज? तो शुरू करते हैं आशीष, कॉनकॉर से थर्ड क्वार्टर का अपडेट आ गया है। एक्जिम वॉल्यूम 8% की ग्रोथ, हालांकि डोमेस्टिक वॉल्यूम नीचे है 0.25% और टोटल वॉल्यूम 6% बढ़ता हुआ थर्ड क्वार्टर का दिखाई पड़ रहा है। एवरेज नंबर मान के चलिए थर्ड क्वार्टर का पोस्ट किया है कॉनकॉर ने अपडेट के लिहाज से। LIC इनको 3500 करोड़ से थोड़े ज़्यादा वैल्यू की इनकम टैक्स की नोटिस आई है और जो कंपनी है इनका ये कहना है कि शायद ये अपील फाइल करेंगे कमिश्नर अपील्स मुंबई के सामने इस पर्टिकुलर ऑर्डर के चलते। इसके पहले भी कंपनी को काफ़ी सारी GST की नोटिस आई है और अब ये बात हो रही है इनकम टैक्स के नोटिस की। द अनंतराज कंपनी यानी टार्क, इन्होंने एक लग्जरी प्रोजेक्ट अनाउंस किया है सेंट्रल दिल्ली में जिसका नाम है कैलासा और कुल मिला के 4000 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल आता हुआ दिखाई पड़ रहा है इस पर्टिकुलर नए लॉन्च से। तो ये रियल एस्टेट स्टॉक रखिए अपने रेडार पे। बाजल प्रोडक्ट्स, इनको LOI मिला है नए ऑर्डर्स का, लगभग 500 करोड़ का ऑर्डर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए इनको मिला हुआ है और HG इंफ्रा इंजीनियरिंग रेलवेज का इनके हाथ 740 करोड़ का बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है। तो ये भी स्टॉक रखिए अपने रेडार पे, रखिए इन तमाम काउंटर्स को अपने रेडार पे। थैंक यू यतिन। अच्छा, इनमें से पहले एक कंटेनर कॉरपोरेशन, सतपुते साहब चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? भाई आंकड़े मिले जुले से हैं, बेहतर लग रहे हैं ओवरऑल क्योंकि वॉल्यूम्स बड़े हैं, एग्जिम वॉल्यूम्स 8% का जंप दिखा रहे हैं, आपको कैसा लगा चार्ट्स पे, कैसा लग रहा है? आशीष जी देखिए, अगर आप इसका चार्ट देखें तो चार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, चार्ट स्ट्रांग ही है। इनफैक्ट हमने देखा है हर डिप पे ये अपने 10-20 DMA के आसपास सपोर्ट लेके फिर से अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन करने की कोशिश करता है और मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में जो पिछले 2-3 दिनों में जो डिप मिली थी वो एक अच्छी डिप थी। तो यहाँ पे देखिए 905 के आसपास का क्लोज है, तो ये 880 and 900 ये इसका एक सपोर्ट जोन है। इस जोन के बीच में मुझे लगता है कि कंटेनर कॉर्प में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी अगर डिप मिला तो, नहीं तो रेजिस्टेंस कहाँ है? मेरे हिसाब से 935-940 ये इसका पहला पड़ाव है, पहला सप्लाई पॉइंट है। अगर वो निगेट हो चुका है उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है फिर मुझे लगता है एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग मिलेगी 950-960 तक। तो देखिए बायस जो है पॉजिटिव रखे, स्टॉप लॉस जो है पोजिशनली 870 का मेंटेन करे। ओके, ये है कंटेनर कॉर्पोरेशन LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। मानस चार्ट्स पे कैसा? 3500 करोड़ रुपए प्लस के एग्रीगेट डिमांड नोटिसेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, ऑब्वियस है बड़ा अमाउंट है, कंटेस्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन LIC चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? देखिए जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है आशीष जी, आई थिंक यहाँ पर बने रहा जा सकता है। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 809 का स्टॉप लॉस लगाइए, अभी तक का सेक्टर पॉजिटिव है, लेकिन अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो ब्रेकआउट का इंतजार करना है। अब 855 के ऊपर ही फ्रेश खरीदारी करेंगे, लेकिन लॉन्ग पोजीशन होल्ड की जा सकती है 809 के स्टॉप लॉस के साथ।
सावन साहब, दोनों ऑटो टू व्हीलर ऑटो कंपनीज, पहले तो टीवीएस मोटर्स खूब चला, फिर बजाज ऑटो की बारी थी, बजाज ऑटो अभी भी चल रहा है पर आजकल हीरो मोटो का अब छाया हुआ है, क्या लग रहा है चार्ट्स पे? इन तीनों में से आपका कोई ट्रेडिंग के लिए स्टॉक रडार पे आया था क्या? सावन साहब जी, सॉरी आशीष जी, मैंने नाम नहीं सुना मेरा, तो हीरो मोटो ये तीनों टू व्हीलर ऑटो कंपनीज, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटो को अब खास तौर पे गजब के मूव्स डिलीवर कर रहा है, इनमें से तो कोई ट्रेडिंग के लिए आज से रडार पे है क्या? यहाँ पे आशीष जी, हीरो मोटो कॉप एक क्लियर कट मुझे लग रहा है कि वैलिड ब्रेकआउट है, और यहाँ पे कोई भी टिप मिले आपको बाय करना होगा, जो पिछला रेजिस्टेंस था करीबन 4,250 का, इसके ऊपर हम सस्टेन कर रहे हैं, वॉल्यूम बैक मूव है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे उसी को स्टॉप लॉस रख के 4,250 आप कोई भी टिप को बाय कीजिए। मुझे लग रहा है कि ये अब नेक्स्ट लेवल यानी 4,450 4,500 तक के लेवल भी दिखा सकता है, ओवरऑल बहुत स्ट्रांग मूव है, और इसने कुछ दिनों पहले 20 दिनों के एवरेज पे डिप ली थी, वहां से स्ट्रॉन्ग बाउंस आया जो कि स्टॉक में एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो बिल्कुल हर डिप को बाय करना चाहिए। अब आए जरा रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईटी की काफी चर्चा हो गई, दो दिनों से बाजार में गजब के मूव्स डिलीवर करके दे रहा है, टेक्निकली तो कई बार चर्चा हो चुकी है, जानी हिसाब से जान लिया जाए अब 2700 प्लस पे फंडम, ऐसे रिलायंस ही नहीं जियो फाइनेंशियल भी फट रहा है, खैर लेकिन अभी रिलायंस की चर्चा, जानी साहब 2700 प्लस के लेवल्स पे ऑलरेडी खड़ा हुआ है, आप लोग के 12 मंथ के टाइम होराइजन के लिहाज से टारगेट्स क्या हैं, खरीदार हो आप या नहीं हो? खरीदारी करनी चाहिए आशीष जी, काफी टाइम के बाद एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देख रहे हैं, और वैल्यूएशन के हिसाब से, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से डेफिनेटली काफी पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि टेलीकॉम की अगर बात करें तो जिस तरह का आरपू ग्रोथ, जिस तरह की मार्केट शेयर गेन्स कंपनी ने दर्ज की है, वो एक बहुत ही पॉजिटिव फिगर है, और ओटूसी बिजनेस में भी एक स्टेबिलाइजेशन देख रहे हैं रिफाइनिंग मार्जिन्स के अंदर, तो उसका मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा इन्वेस्टर्स के लिए, तो डेफिनेटली करना चाहिए, और मोमेंटम को देखते हुए मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में भी एक बार लगभग 2,953,000 के लेवल देख सकते हैं, सो लॉन्ग टर्म जो प्राइस टारगेट हमारा है 3,250 है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, मुनाफे की तैयारी पूरी हुई, इनफैक्ट सभी स्टॉक्स मार्केट सब डिस्कस कर लिया हमने, अब एक ट्रांजिशन करते हैं और तैयारी करते हैं पहला सौदा की। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है, यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।